पूछा है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड करेक्ट। सी से बोट सेल करते करते डी तक गया 3 मिनट्स में, कितना डिस्टेंस? 1000/√3। सो सी से डी के बीच का डिस्टेंस मालूम है, सी से डी के बीच का टाइम मालूम है, सो 3 मिनट्स को मिनट्स में है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 3 मिनट कितना होगा? 3 × 60 दैट इज़ 180 सेकेंड। 180 सेकेंड होगा आंसर में, मीटर पर सेकेंड पूछा है। अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 1000/√3 अपॉन टाइम। टाइम कितना? 180। सो 1000/√3 डिवाइड बाय 180 है, डिवाइड बाय 180। सो मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 180, ध्यान में रखना रेसिप्रोकल ऑफ 180, एक जीरो कैंसिल। सो 1000/18, 1000/18 करेक्ट 1000/18 फॉलोड। चलो 18√3 ठीक है। 1000 ये क्या है? 500√3 500√3 − 500/√3 सो 1500 − 500 1000/√3 सी डी आया करेक्ट। सो ये पूरा कितना आया था हमारा बी डी कितना आया था? देखो यहाँ पे ये कितना आया था, ए बी 500 है, तो tan 60 क्या है? √3 AB 500/BD 500/√3 इज BD बराबर, BD 500/√3 आया फॉलोड, 500/√3 tan 60। अब tan 30 क्या है? tan 30 AB 500/CD प्लस DB कितना है? 500/√3 तो tan 30 कितना है? 1/√3 500/CD प्लस 500/√3 तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500√3 इज इक्वल टू CD प्लस 500/√3 तो 500√3 माइनस 500/√3 इज इक्वल टू CD करेक्ट। तो ये √3 1500 − 500 अपॉन √3 ये आया CD तो 1000/√3 CD आया, CD क्या है हमारा? 1000/√3 CD क्या है? 1000/√3 CD क्या है? 1000/√3 CD इज 1000/√3 CD कितना है? 1000/√3 करेक्ट। सो CD कितना है? 1000/√3 फॉलो, यह है हमारा CD ठीक है। अब
सी से डी का बीच का दूरी कितना रही है? सी से डी का डिस्टेंस जो है 1000/√3 है, और टाइम कितना दिया है सी से डी ट्रेवल करने में? 3 मिनट्स, 3 मिनट्स। सो 3 × 60, 1 मिनट 60 सेकेंड। सो ये सी डी क्या हो जाएगा? सो स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉलो? तो ये क्या है, 1000√3, 1000/√3 डिस्टेंस है, अपॉन टाइम, टाइम क्या दिया है? 3 × 60, 3 × 60, करेक्ट? 3 × 60, 1000, 3 × 60। अब यहाँ पे रैशनलाइज कर दो इसको, चाहिए तो 1000/√3 है, √3 √3 √3 अपॉन 3 × 60, तो ये क्या हुआ, √3 √3 √3 हो गया, तो 1000√3 अपॉन 3 अपॉन 3 × 60, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी सी डी, क्या होगा सी डी? 1000√3 अपॉन 3 × 3 × 60, तो 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, बराबर। चलो, सो सी डी इज 100 × √3, √3 क्या आएगा, 1.732 अपॉन 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54। सो सी डी क्या आएगा, 100, 170, अब मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 2 डेसिमल शिफ्ट होगा, 173.2 अपॉन 54, तो सी डी को डिवाइड कर दो, ये आया स्पीड, सॉरी ये आया हमारा स्पीड, सी डी नहीं, स्पीड। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस विल बी 54 × 3 = 3.21, डिवाइड कर देना 173.2 सो 50 मीटर पर सेकेंड, ये आया स्पीड ऑफ द बोट, ये क्या आया, स्पीड ऑफ द बोट, ठीक। अब तुमको स्पीड ऑफ द बोट मालूम पड़ गया, 3.21 मीटर पर सेकेंड है। अब पूछा है डी से शोर जो कि बी में है, यहाँ पे यहाँ जाने में और कितना टाइम चाहिए, एंड इट इज़ गिवन दैट द बोट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, बोट का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। अब डी से बी के जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, डी से बी डिस्टेंस कितना है, 500/√3, डिस्टेंस कितना है, 500/√3, और डी से बी तक जाने के लिए और कितना टाइम चाहिए, दैट इज़ नॉट नोन टू एस, टाइम नहीं मालूम है, लेकिन बोट का स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, स्पीड कितना है बोट का, बोट का स्पीड कितना है, यूनिफॉर्म है, बोट का स्पीड कितना है, यूनिफॉर्म। तो स्पीड ऑफ द बोट हमने कैलकुलेट किया ना, कितना आया था, 100 1000, स्पीड ऑफ द बोट हमने किया ना, 1000 1000 स्पीड हमने, 1000 1000 अपॉन 1000√3 अपॉन 3 × 3 × 60 किया ना, 3 × 3 × 60 किया, ये स्पीड था। टाइम कैलकुलेट पूछा है, तो टाइम के लिए क्या करना है, टाइम के लिए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 500 अपॉन रूट थ्री डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितना है 1000 रूट थ्री अपॉन 3 × 3 × 60, तो ये ऊपर जाएगा। सो टी क्या आएगा 500 × 3 × 3 × 60 अपॉन रूट थ्री विल कम डाउन, रूट थ्री इंटू 1000 इंटू रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री थ्री और एक थ्री कैंसिल हो जाएगा, 500 टू ज़ा 1000 टू 30, 30 × 3 = 90 सेकेंड आया। टाइम कितना लगा 90 सेकेंड, मतलब 1 आवर 90 सेकेंड लगा, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड टाइम इज 90 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड स्पीड। अब बोट का स्पीड जो है यूनिफॉर्म था, बोट का स्पीड क्या था यूनिफॉर्म, क्लियर, बोट का स्पीड कितना था यूनिफॉर्म। बोट का स्पीड इज ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू प्रैक्टिस। बाय।